काश अगर यही आज का दिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी का बर्थडे होता बेंगलुरु में अगर वो सेलिब्रेट होते क्या ये लोग बाहर जाते थे। मुझे कर्नाटक हुट्टी नान या हमे पड़ती है टीपू सुल्तान हुट्टी अंत। जब तक टीपू सुल्तान शहीद के कहानियां किससे नहीं सुनते बहादुरी जग नहीं पाएगी। शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्ला अलैह का कौल है कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आज नवंबर 10 है, सारी दुनिया नवंबर 10 के दिन फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया टाइगर ऑफ मैसूर शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्ला अलैह की यौम पैदाइश को मनाती है। अफसोस सबसे बड़ी ये बात है कि पिछली बार जब कर्नाटका में सिद्धरामैया की सरकार आई थी तो विधानसभा के बैंकेट हॉल में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, उस वक्त के मिनिस्टर बिजट जमीर अहमद खान और कई सारे लोग मिलकर बड़े पैमाने पर उन्होंने यौम पैदाइश को मनाया था। लेकिन आज भी सिद्धरामैया की गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसी क्या उनकी मजबूरी है समझ में बात ये नहीं आती दोस्तों कि मनाना तो दूर की बात, मंड्या मैसूर श्रीरंगपट्टन में 144 सेक्शन को लागू कर दिया है कर्नाटका की सरकार ने कि अगर आप टिप्पू जयंती मनाते हैं तो ये कौन सी सरकार है, सरकार की क्या नीति है। फलस्तीन के बारे में हमने देखा जब बीएमजी रोड में वहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ था पीसफुल, जहां पर कुछ नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी FIR फाइल करती है सरकार उन प्रोटेस्ट करने वालों पर। लेकिन केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता है नवंबर 23 को कैलिकट में 1 लाख लोगों के साथ रैली करने वाले प्रोटेस्ट फलस्तीन के सपोर्ट में, ये कौन सी दोगलापन समझ में नहीं आता। आज देख सकते हैं मेरे दोस्त से मैं गुजारिश करता हूं थोड़ा आगे आकर दिखाएं, मैं उस मकाम पे खड़ा हूं जहां पर शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। आप गौर से देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है, कन्नड़ा में लिखा गया यहां पर, कि जो लोग कहते हैं कि कन्नड़ा के अगेंस्ट में थे तो कैसे हो सकते हैं। ये जगह को आसपास को आप देख सकते हैं इतनी गंदी इन्होंने रखी हुई है। ये सरकार है जो हमारे नेता है, सारे नेता जिनको हमने वोट डालकर जिताया अभी सरकार में, जो आज बेंगलुरु के पर्टिकुलरली MLA की बात करूं मिनिस्टर की बात करूं सब कर्नाटका इंडिया के बाहर चले गए अपनी अपनी मजबूरी दिखाकर। काश अगर यही आज का दिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी का बर्थडे होता बेंगलुरु में अगर वो सेलिब्रेट होते क्या ये लोग बाहर जाते थे, नहीं जाते थे। कोई बात नहीं, हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह चाहने वाले करोड़ों इस दुनिया में है, हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह कई चाहने वाले यहां पर देवनली में आ जाए, यहां पर आकर यहां पर उन्होंने अपनी खराज अकीदत पेश की मनाया। आइए उनकी आल के मंसूर साहब आए थे, एक्स कॉर्पोरेटर्स यहां पर थे, कई सारे लोग आए थे, आइए देखते किस तरह से आज इन्होंने यहां पर देवनली में शहीद की पैदाइश की जगह पर किस तरह से पैदाइश मनाई हम देखते हैं। 3 सदियां गुजर गई शहीद हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम पर, आज तक कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हुक्मरान एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बना सका। हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद के नाम से यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल बहुत छोटी चीज है। शहरों का नाम रखना चाहिए, डिस्ट्रिक्टों का नाम टिप्पू सुल्तान शहीद रहना चाहिए। जब सल्तनत खुदादाद वालदी हैदर अली जब मौजूद थी, जब सारे रियासतों के अंदर टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े नामें रखे थे, ये नाम टिपू सुल्तान शहीद का बल्कि सिर्फ रियासत कर्नाटक में ही सारे हिंदुस्तान और पड़ोस के मुल्कों में भी फ़ख्र से लिया जाता है। आज भी जब अंग्रेज़ के बच्चे जब नहीं सोते तो आज भी उनके माएँ लोरियाँ सुनाती है और कहती है कि सोजा बेटे सोजा वरना टिपू सुल्तान शहीद आ जाएंगे करके। तो हमें यह फ़ख्र होता है कि यूनिवर्सिटी रख लेने से, हॉस्पिटल का नाम रख लेने से या फिर कोई जगह का नाम नहीं दिए करके अफसोस मनाना हमें नहीं है। ये दिलों में जिंदा है नाम, ये ता कयामत तक दिलों में जिंदा रहेगा। मरते वो हैं जो दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, ये मरे नहीं हैं, ये अमर हैं, ये शहीद हैं ता कयामत तक, चाहे हिंदुस्तान की आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे IPC हो। जब तक टिपू सुल्तान शहीद के कहानियां किससे नहीं सुनते बहादुरी जग नहीं पाएगी हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों के अंदर। आप हजरत शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के आल से आते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से कि शहीद के नाम पे सरकार क्या ठोस कदम उठाए, क्योंकि इतने हमारे मुसलमान कायदीन में MLA भी हैं, मिनिस्टर भी सब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ मेरी वालदा का जो रिश्ता और मेरी बीवी जो पड़पोती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जागरूकतियाँ 2013 से जो चालू हुई कंटिन्यू मेरे डिमांड्स हैं और डिमांड्स को हमने फुलफिल भी किया है। जैसा टिपू सुल्तान शहीद की हमें पैदाइश को डिमांड किए थे 2015 में उसको जारी हुआ, माइनॉरिटी और वेलफेयर वफ मिनिस्टर जब डॉक्टर खमरुल इस्लाम थे और सिद्धरामैया साहब के CM ने जारी भी करवाया। उसके साथ साथ हमारे ये डिमांड्स थे कि बल्लारी का रोड जो बल्लारी का नाम है शहीद के नाम से दिया जाए करके, उसके साथ साथ जो
आर्मरी हाउस जो शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग के लिए भी 13 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट करवाए, वो भी काम हम लोगों ने करवाया। तहरीक खुदादाद का एक कारवा चलता रहा जिसके अंदर कर्णा संगठन है, दलित संगठन है, मुजाहिद भाई जैसी शख्सियतें, हमारे कर्णा नज़ीर जैसी शख्सियतें, वाटाल नागराज, हर हर मुद्दे पर, मसले पर आवाज़ उठाए। बदले में हमको ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो सवाल दूसरा है, लेकिन हमारा एहतजाज उस चीज़ के लिए जारी रहेगा। और हमारा एक गवर्नमेंट एहतजाज ये था कि हमारा जो खानदान कलकत्ता में बसा हुआ है उनको रिहैबिलिटेट करे, करके एक रिपोर्ट भी जारी हुई। नहीं करने के बाद हम लोगों ने कोर्ट में गए, कोर्ट केस भी जीते हैं। आइंदा दिनों के लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि तमाम जो खानदान का हक है उसको दिया जाए करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का दिन है। हम सबको फ़ख्र है कि आज इस ज़मीन पर, इस मुकाम पर जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं, यह हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जिस जगह हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं उस जगह आज हम लोग खड़े हुए हैं, वो बहुत फ़ख्र की बात है। इससे हमको ये मालूम होता है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस स्टेट के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए अपने औलादों को कुर्बान रखकर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है, इसको हम लोग भूल नहीं सकते। जब तक ये हिंदुस्तान है और तब तक ये कर्नाटक की सरजमीन है, तब तक जो भी इंसान पैदा होता है जो इस टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भुला नहीं सकेगा, ये हमारा यकीन है। और इसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को और उनके जो जंग में इस्तेमाल करके हैं, जो हथियार इस्तेमाल करके हैं, उस हथियारों को जो ब्रिटिश वालों ने लेकर जाकर हैं, उन लोगों को उनके म्यूज़ियमों में रख कर उनको म्यूज़ियम में आने वाले लोगों को दिखाने के लिए जो फीस इकट्ठा करते हैं, वो लोग उनसे आमदनी कर रहे हैं। लेकिन इधर के कुछ फ़िरका परस्त पार्टियों ने, कुछ फ़िरका परस्त लोगों ने इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो इनके हिस्ट्री को मिटाने के लिए उल्टा वो काम कर रहे हैं अपना खुद का पैसा डालकर, ये हो नहीं सकता। जब तक हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हमको किसी की हुकूमत से हो या किसी से भी हो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो इस कर्नाटक के लिए और इस हिंदुस्तान के लिए करकर हैं, तारीखों में लिखा गया है, ये अगरचि निशानी मिटाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी निशानियां मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी कुर्बानियों को याद करने का हमको मौका मिलेगा और आने वाले दिनों में भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस एयरपोर्ट का रोड का नाम कम से कम हम लोग गवर्नमेंट के अंदर प्रपोजल देकर हैं। मंसूर भाई ने भी अभी बता रहे थे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रखाने के लिए हम लोग पूरे मिलकर साथ दो बोलकर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इसके आजू बाजू की जगह भी इस म्यूज़ियम बनाने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो भी एक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। टीपू सुल्तान काल कन्नड़ आड़ भाषण हेल्थ बीजेपी टीपू सुल्तान कन्नड़ विरोधी अंतर यहाँ रीतियल कन्नड़ विरोधी अंतर गोतिल मोदी नाड़ी जनते हज़रत टीपू सुल्तान जयंतोत्सव शुभाशय शृंगेरी शारदाबे मेले शिवाजी दाड़ी मादा टीपू सुल्तान गोतागते आ सदर्भली कन्डदली ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಹೈದರಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆಸಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗಾಳಿ ನೀರಿವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಮರನ ಹೆಸರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ 2013 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಈಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆಚರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕೋದ್ರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತಿಳಿದು ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಇಷ್ಟೇನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಕಂಬಿ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ
ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರನೇ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನಾದೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ನಿಲುವನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಲುವು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ. ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದು ಏನೋ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ, ಬೇರೇನೂ ಒತ್ತಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಿಪ್ಪು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಲುವು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲಿ. ಆಜ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಓ ಜರೂರತ್ ನೀ ಹಮಾರಿ ಅವಾಮ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಜರೂರತ್ ಕತ್ತೆ ಲೋಗಾಂಗ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಸೌ ಭೀ ನಹೀ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ ಯೇ ಚೆ ಹರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇ ಜೋ ಕೋಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟರ್ ಏಕ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ ಗಯಾ ತೋ ಯಾ ಕಾರ್ಪೆಟರ್ ಪೈದಾ ಹೋ ಗಯಾ ತೋ ಬರ್ಡೆ ಹಜಾನೋ ಗಯಾ ಮೇ ಅದ್ಮೇ ಜಮ್ದಿ ಹಮೇ ಔರ್ ಆಪ್ ಸೋಚ್ನಾ ಸೋ ಅಪೀಲ್ ಹಮಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕರ್ನಾ ಐಸಾ ಬರ್ಡೆ ಕಭಿ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಕರೆ ತೋ ಢಂಗ್ ಸೇ ಲಾಖೋ ಗಯಾ ಅದ್ಮೇ ಹಜಾರೋ ಗಯಾ ಅದ್ಮೇ ಜೋ ಜೋಶ್ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ರಕೋಯಿ ಉಸೆ ಖೂನ್ ಕು ಗರಂ ಕರ್ಕೋ ಆಗೇ ಬಡ್ಕೋ ಬರ್ಡೆ ಕರ್ನಾ ಬರ್ಡೆ ಜಬ್ ಕರೆಂಗೇ ಯೇ ಜಗಾ ಆಗಾಜ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಡೆ ಜಬ್ ಕರೆಂಗೇ ವೋ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಗಾಜ್ ಹೋಗಾ ಜಬ್ ಬರ್ಡೆ ಜಬ್ ಕರೆಂಗೇ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲೈಹಿ ನಾಮ ಜೋ ಹೈ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಔರ್ ಖಾಯಂ ಔರ್ ಅಮರ್ ರಹೇಗಾ.